दी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। सेकंड हाफ शुरुआत होने वाली है और दोनों टीम्स ने अपने साइड्स बदल लिए हैं। स्कोर लाइन 28-30 इन फेवर ऑफ द यूनाइटेड सिंह्स। यूनाइटेड सिंह स्टॉप कर रहे हैं पहले रेड के लिए और वो रेड करने के लिए आए हैं जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्की। पहला पॉइंट लेके गए हैं। कॉमेंट्री बॉक्स में अभी भी मौजूद हूँ मैं दिवान सिंह और मेरे साथ अंजुम चोपड़ा और अजय मेहरा। कोहली को नौर आए ने अब चंगा कितना उन्होंने रेस्ट करने तो बाद एक और बारी आए ने मैं चाहती हूँ इस बारी पॉइंट लेके जान। थोड़ा जोर चंगा चंगा दिया थोड़ा जोर होशियार छड़ दे नहीं छड़ रहा टाइम होने वाला है पर गुरपाल ने छड़ना नहीं। टॉडी गल में लगता सुनेंगे नहीं क्योंकि ए बिल्कुल शिकंजे छ गया है। गोलू का निकलना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। गोलू है ताइयों तो निकल सकते हैं पर हाले नहीं हाले होशियार ने पॉइंट जीते हैं। बहुत बढ़िया खेल रहा होशियार सिंह और इसी वजह से एक उम्मीद की किरण जाग उठी है कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। स्कोर बराबर पर पहुंचा दिया है 30-30। और ये बढ़िया स्टॉपिंग बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ लिया है। यहां से कोई नहीं बचने वाला और फिर से संदीप नंगलांबिया और उनकी टीम ने एक कमाल करके दिखाया। नजरें रहनी चाहिए स्कोर पे 31-34 बहुत ही करीबी मामला पर देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे कंट्रोल किया चिकंजे में लिया। ये अब पूरी तरह से निकलना यहाँ से बहुत ही मुश्किल प्रयास जरूर कर रहे थे पर 30 सेकंड समाप्त होते हुए रंग मिलता हुआ। लवप्रीत सिंह मेरे ख्याल तो ये रवि कुमार है सॉरी फॉर दैट बट रवि कुमार फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जितना बढ़िया प्रदर्शन किया था वो सेकंड क्वार्टर में कमाल नहीं दिखा पाया। ये पहली बार रेड करने आए हैं थर्ड क्वार्टर के अंदर और क्या ये वापस जा सकता है? जी हाँ जा सकता है। गिरते पड़ते पर पहुंच ही गए पार्ले से पार। और कबड्डी की नहीं जीवन की या स्पोर्ट की कहें एक बहुत बड़ा उसूल है कि आप कभी गिव अप ना करें और ये इस रेड में देखने को मिला। सबसे पहले निकल पड़े थे लेकिन फिर भी कोशिश की अमरिंदर ने। दूसरे अटेम्प्ट पे भी गए ऑलमोस्ट पकड़ लिया था लेकिन रवि फिर भी निकल आए। यहाँ पे एक और मजबूत पकड़ एक और पॉइंट मिल सकता है यूनाइटेड सिंह्स को। बेहतरीन प्रयास और एक और पॉइंट लेके ही जाएंगे संदीप नंगलांबिया। पांच सेकंड का वक्त वापस आ गए। बेहतरीन क्या वापसी थी है? बढ़िया रेड स्टॉप जो कहना चाहे आप अपने पिक कर लीजिए बट मुझे लगता है मक्खन मक्खी और संदीप संधू दोनों अपनी क्लास दिखाते हुए 29 सेकंड तक पकड़ के रखा और एक सेकंड के बाद मक्खन मक्खी अपने पाले के पार चले गए। अजय सचमुच में बैटल ऑफ नंबर वन एक तरफ नंबर वन दूसरे तरफ नंबर वन वन। इधर एक पॉइंट लेके वापस अपने पाले में जाते हुए मक्खन मक्खी लेकिन दिखते हुए पता चल रहा है कि थोड़े से थक भी रहे हैं। कंप्लीट कांटेक्ट आई कांटेक्ट बना रखते हुए एक बारी भी मूव नहीं दिखा रहे कि किस तरीके का झुकाव है रवि कुमार का। ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है किसी भी टॉप रेडर के लिए। आप पहले मूव नहीं करना चाहिए और ये नहीं बताना चाहिए कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। इसी वजह से इतनी सफलता प्रयास था लेकिन देखिए बिल्कुल गले के पास प्रहार कर दिया था मुंह पे भी चाटा लगा दिया। हो सकता है आखिरी रेड हो अगर इस रेड पे पॉइंट मिल जाए जो कि मिलेगा भी यूनाइटेड सिंह्स को तो 6 पॉइंट की बढ़त बना लेंगे। 39-45 बहुत बहुत बढ़िया खेले हैं इस क्वार्टर में यूनाइटेड सिंह्स। तो ये एक बहुत बड़ा रेड उसको करने आए हैं जगमोहन सिंह। उनको एंगेज कर चुके हैं सबसे पहले ही गुरिंदर कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकने की लेकिन आसानी से पहुंच ही जाएंगे वापस। बहुत क्लोज मामला था लेकिन एक पॉइंट निकाल ही लिया अपने टीम के लिए कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। फिलहाल यूनाइटेड सिंह्स के पास थोड़ा बहुत एडवांटेज है इस तीसरे क्वार्टर में। काफी डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा उनका 45-40 से लीड करते हुए। अगर आप नंबर्स देखें तो ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन रेट स्ट्राइक रेट थोड़ी सी बेहतर रही है और स्टॉप स्ट्राइक रेट में भी 5 पॉइंट्स 5% आगे रही है यूनाइटेड सिंह्स। तो
तीसरे क्वार्टर के बाद स्कोर लाइन 45 फॉर यूनाइटेड सिंह्स, 40 फॉर द कैलिफोर्निया ईगल्स। स्कोर ये है कैलिफोर्निया ईगल्स के 40, यूनाइटेड सिंह्स के 45, यानी आखिरी क्वार्टर, आखिरी 10 मिनट में बहुत कुछ अभी भी हो सकता है। मैं हूं देवायन सर, मेरे साथ है अजय मेहरा। अजय, एक क्रूशियल क्वार्टर, लेकिन यूनाइटेड सिंह्स का आज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। जी हाँ, और बहुत ही बढ़िया वापसी की है, जैसे आपने सही कहा आप देवायन, और इसकी सख्त दरकार थी उनकी टीम को। तो पहली रेड अब इस क्वार्टर में, जो कि अंतिम क्वार्टर है, यहाँ पे पकड़ते हुए गिरफ्त में लिया है, क्या करेंगे? पर ऐसा लगता है, जी हाँ, सिंग्स के पक्ष में अंक जाता हुआ। कैलिफोर्निया ईगल्स के यहाँ पे पकड़ लिया है शिकंजे में, क्या निकल पाएंगे? संदीप के हाथों से निकलना इतना आसान नहीं, फंस गए, मुझे लगता है मुश्किल में है। पूरी तरह जकड़ लिया है, प्रयास कर रहे हैं निकलने का, पर संदीप बहुत ही बढ़िया स्टॉपर, कप्तान भी है इस टीम के, और मुझे लग रहा है, जी हाँ, समय समाप्त होता हुआ और अंक मिलता हुआ संदीप की टीम को। 50 अप फॉर यूनाइटेड सिंह्स, और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर संदीप रेडर को पकड़ के बोले कि जगमोहन, ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। जी हाँ, और इससे निकलना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन। 15 डिफेंस में से 5 पॉइंट संदीप ने अपने बलबूते पे अर्ज किए हैं, जो दर्शाता है क्या उन्होंने बढ़िया कार्य किया अभी तक। 7 पॉइंट का फासला उसे तय करने के लिए या बढ़ाने के लिए फिर से आ चुके हैं गुरिंदर पाल सिंह, और ये जब ये आते हैं तब ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो जाए टीम के लिए, और यहाँ पे अगर 1 पॉइंट मिल जाए तो 8 पॉइंट का फासला मिल जाएगा। गोलू गनौर इनका नाम है, निकनेम है, पर बहुत चुस्त है, बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही बढ़िया रेडर, दौड़ते हुए क्या निकल पाएंगे, क्या निकल पाएंगे? और मुझे लग रहा है, जी हाँ, अंक मिलेगा। जैसे मैं कह रहा था दबाएं, इनको पकड़ना, काबू में रखना बहुत मुश्किल, इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। अगर संदीप एक अच्छे स्टॉपर है तो गोलू एक माहिर रेडर। यहाँ पे कैंची लगा चुके हैं कोशिशें रोकने की, लेकिन रवि कुमार आज रुकने वाले नहीं है, सिर्फ एक बार ही उन्होंने मिस आउट किया है, और इस बार एक और सक्सेसफुल रेड यूनाइटेड सिंह्स के लिए, फिर से 6 पॉइंट का फासला बरकरार। एक ही गनीमत है कि सिर्फ 1 मिनट का खेल बचा है, तो यहाँ पे अगर रेडर भी थोड़ा टाइम वेस्ट करे, आप देखेंगे कि रेडर भी थोड़ा अपना वक्त लगाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल 30 सेकंड के पास जाके टच करके आए, और इसी वजह से बलकारा जानते थे, पहले ही अटैक कर चुके हैं। बलकारा कैची लगाने की कोशिश, लेकिन उससे पहले ही अपने पांव पे वापस आ चुके थे बलजीत। ये पॉइंट लेके जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब कह सकते हैं यूनाइटेड सिंह्स के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स निश्चित है। और कमाल किया, पूरी तरह से पहले घूमे भी, दौड़े भी, और किस प्रकार निकले अंत में, अब बिल्कुल अपने पाले के अंदर आते हुए। ये एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर इस समय जब ज्यादा समय शेष नहीं इस मुकाबले में। बिल्कुल 40 सेकंड यानी मैक्सिमम 2 रेड्स यहाँ पे हो सकते हैं, तो 2 रेड्स के पॉइंट भी अगर मिल जाए कैलिफोर्निया ईगल्स, फिर भी यहाँ पे कैलिफोर्निया ईगल्स को शायद 1 पॉइंट मिल चुका है, लेकिन ऑफिशियल बिल्कुल लास्ट तक खेल रहे हैं। और संदीप, देखिए संदीप उन्हें अपने पाले से दूर रख रहे हैं, वक्त भी गुजर जा रहा है, पकड़ अच्छी मजबूत, और धकेल के पॉइंट भी जीत ले यूनाइटेड सिंह्स के लिए। मुझे लगता है दबाएं, आज 2 हीरो रहे हैं, एक है संदीप जो बहुत ही बढ़िया उन्होंने स्टॉपर का कार्य किया है, कप्तान के तौर पे आगे से लीड किया है, देखिए किस प्रकार ग्रिप में रखते हैं, उनकी सोच कितनी बढ़िया है, और फिर हल्का सा धकेला और पाले में नहीं पर लाइन के पार हुए, तो पॉइंट मिला यूनाइटेड सिंह की टीम को। 54-59 यानी 7 पॉइंट्स आज डिफेंसिव लाइन में, स्टॉप लाइन में संदीप सिंह संधू यानी संदीप नांगलांबिया के लिए, और आखिरी पॉइंट भी लेके जाएंगे गोलू गनौर, यानी 60-54 से आज विजयी रहे यूनाइटेड सिंह। पहले मैच में जीते थे वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और आज कहा जा सकता है दे हैव रीगेन्ड दैट विनिंग फीलिंग। और यह है कॉन्फर्मेशन फाइनल स्कोर का, द फुल टाइम स्कोर लाइन हियर वाज 54 फॉर कैलिफोर्निया ईगल्स एंड 60 फॉर द यूनाइटेड सिंह्स। मैच 9 था ये नई दिल्ली से वे वर्ल्ड कबड्डी लीग का, और स्टैट्स में आप देख सकेंगे कि किस तरीके से ज्यादा फर्क नहीं था दोनों टीम्स में, लेकिन क्रूशियल चीजें यूनाइटेड सिंह्स ने थोड़ी सी बेहतर की, रेड स्ट्राइक रेट में 6% ज्यादा, और स्टॉप स्ट्राइक रेट में आज हीरो थे संदीप सिंह संधू, 7 स्टॉप्स उन्होंने किए, और क्लोज
पूरा मिला के 14 स्टॉप्स कुल मिला के अगेंस्ट 11 फॉर द कैलिफोर्निया ईगल्स. सो इट वॉज रियली अ टॉप टॉप परफॉर्मेंस, अ वेरी वेरी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स.